मोहम्मद सिंह सरदार छुपना चाहिए। सजनों सिर्फ दो मिनट की रागनी होगी। कई लोगों का मानना है कि ये देश भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और नेताजी सुभाष चंद्र बोस से वीरों ने नहीं करवाया, अपितु आजादी इस देश के अंदर आई तो चरखे से आई। सजनों आप मानते होंगे, मैं इस बात को नहीं मानता कि आजादी चरखा चलाने से आई, और सच्चाई भी है। अगर YouTube पे आप सर्च करके देखोगे आजादी की जंग में गांधी जी का क्या रोल रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या रोल रहा है, आप सभी को बताया जाएगा वो देश तरे हुई थी या देश को आजाद करवाए थे कि हम कदर करते हैं, हम गांधी जी की उन सिखों का, और हमारे सिर के ऊपर करज है उस भगत सिंह की चीखों का, उस भगत सिंह की चीखों ऐसे नंबर एक पे हम। हे भारत माँ का पुतला डला दिल में बसना चाहिए रे, भरत कायु परी भगत सिंह सरदार छपना चाहिए। अरे पूरे पूर्वजन हाथ लगाकर उस वीर शहीद के नाम से पूरे पूर्वजन हाथ लगाकर के मेरे साथ ताली बजाकर कहता है, तेरे पास रहे हम अंग्रेजों से माफी मांग ले, हम तेरे को माफ कर देंगे, और होश के तो आप हमारे इस दल के साथ आ जाइए, इस भारत देश को बड़ी जबरदस्ती लूटेंगे। भगत सिंह कहने लगा कि मैं एक भारत माँ का अमर सैन और तुम अंग्रेजों से माफी मांग लू, ऐसा हो नहीं सकता। अंग्रेजों भाग जाओ, अगर नहीं गए तो एक एक हिंदुस्तानी के ऊपर तुमने जो अत्याचार किए हैं जन गण को बतला लूंगा। और भगत सिंह ने पता क्या कहा कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे, और जब तक है इस जिस्म में एक लहू भी खून का हम कसम खाते हैं, इस भारत माँ का दल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। अच्छे नंबर एक बजे और ये 500 रुपए एनडीजे कंपनी से मेरे बहुत ही आदरणीय मेरे अजीज मित्र भाई दबंग सिंह लवरो 500 रुपए से मान करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। जय जय भारत की माँ।
तो ये भारत माता मेरे को कभी वो नहीं करेगी, मुझे कुछ मैं किसी की आंखों के आगे सामने जाने से भी कतराऊंगा। क्यों? अगर इस देश को आजाद होना है तो मेरे को जेल में रहना होगा, मेरे को फांसी देनी होगी। अगर मैं फांसी ना ठोक्या, अगर कोई भी इस देश का जो श्रृंगार जिसके दिल में आजादी की आग लगी होती है, जो बबर शेर होता है, उसका मरना निश्चित होता है एक देश को आजाद करवाने के लिए। अगर मैं नहीं मरा तो देश आजाद नहीं हो। और अगर मैं मर गया और इस दुनिया ने देख लिया कि भगत सिंह को सरेआम फांसी दी जा रही है, मेरे जैसे इस देश के अंदर अनेकों वीर हैं, कि मैं मर गया तो हमारे देश के सोने डेरे हो जाएंगे और मेरे घर से वीर भगत सिंह और वो तेरे हो जाएंगे। जिंद दिल में इन वीरों के आग लगेगी तो देश आजाद होगा। और किसी ने कहा भी है, किसी ने कहा भी है कि मरना है? और ये 500 रुपए मेरे बहुत ही आदरणीय बड़े भाई महावीर जी, प्रिंसिपल साहब, ज्ञान कॉलेज, 500 रुपए सम्मान करते, धन्यवाद। और किसी ने कहा भी है कि मरना है तो मरो वतन के लिए? मरना है तो मरो वतन के लिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी दो गज जमीन वतन के लिए। कि मरना है तो मरो वतन के लिए, ऐसे तो नहीं मिलेगी दो गज जमीन दफन के लिए। अगर मरोगे वतन के लिए, अगर मरोगे वतन के लिए, तो ये हसीना भी दुपट्टा उतार के देंगे आपके कवन के लिए। कैसे नंबर दो में भगत सिंह, कल तेरे को फांसी, अगर तेरी कोई अंतिम इच्छा है
तो आप बता दीजिए। भगत सिंह कहने लगा कि है मेरी गलती, मुझे बोला कौन सी कि मेरे को इस काल कोठरी में फांसी ना दे करके खुले मैदान के अंदर फांसी दी जाए जहाँ पूरा हिंदुस्तान मौजूद हो। और सजना यही हुआ कि जब वो कड़ी तैयार की आई वो 23 मार्च 31 आया। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह तीनों को फांसी देने के लिए जब काला नकाब चलाते हैं पूरा हिंदुस्तान रोने लग जाता है। एक एक आदमी का क्यों सुहा हुए भगत सिंह की माँ आ जाती है, कहने लगी कि रोना किसी को नहीं है कि गांव का है सखी मंगला चार भगत सिंह मेरे फांसी चढ़ा कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी कोख से पैदा हुआ एक लाल आज अपने देश के लिए फांसी रूप है। ये माँ के लिए इससे बेटे के प्रति कोई गर्व की बात नहीं होती। और किसी ने कहा भी है कि किसी ने शिष्य से बदन मांग लिया तो किसी ने खिलता हुआ चमन मांग लिया। परमात्मा का दरबार में जाकर कहने लगा एक कि परमात्मा मन इतना सुतरा बना दे संसार में मेरे को सुतरा ना हो, और दूसरा कहने लगा कि परमात्मा इस पूरे संसार की खुशियों की चाबी मेरे पास हो जिन्हें घुमाऊं नहीं घूमें। किसी ने शिष्य से बदन मांग लिया हाँ तो किसी ने खिलता हुआ चमन मांग लिया। खुदा के दरवाजे पर हम भी मौजूद थे, खुदा के दरवाजे पर हम भी मौजूद थे। लोग दौलत में गिरे, हमने अपना वतन मांग लिया, वतन। और कैसे अंत में अगर ये रात नहीं बढ़िया लागो ताली जरूर बजाइयो। कैसे अंत में कैसे धन्यवाद।